कंचन जी, हम अद्भुत नजारा देख रहे हैं, राम के जीवन पर चर्चा कर रहे हैं, त्रेता युग की अयोध्या कैसी होगी उसकी कल्पना इन दृश्यों को देखकर हम कर रहे हैं। वाकई बेहद मनमोहक और अद्भुत नजारा त्रेता युग में भी रहा होगा, जब 14 वर्ष बाद वनवास काटकर भगवान अपने घर वापस लौटे थे, अयोध्या वासियों के बीच में लौटे थे। जी प्राची, दिवाली के इस पावन सरलता सहजता समानता के पवित्रतम पर्व पर सबको बहुत बहुत पूरे भारतवर्ष को शुभकामनाएं। जैसे कि हम सब देख रहे हैं अयोध्या में आज ये जो पर्व मनाया जा रहा है, ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, सच में आज ये याद दिलाता है, आज ये एहसास करवाता है कि हम सब उसी युग में है जब राम राजा बन रहे थे, हम सब उसी युग में है जब राम जी हमारे यहाँ लौट करके अयोध्या में आए थे। ऐसा यथार्थ वक्त दिखाते हुए जो कि आज आदरणीय मोदी जी वहां पर पहुंचे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम फिर से अपने युग की तरफ, अपनी संस्कृति की तरफ, अपनी भारत की सभ्यता की तरफ वापस हो रहे हैं। और मैं एक बात और कह सकती हूँ कि आखिरकार प्राची जी, हम लोग राम को राजा बनता हुआ क्यों देखना चाहते हैं? राम राजा बने ऐसा हमारी कामना में, परिकल्पना में क्यों आता है? ये बहुत विशेष बात है। ऐसा क्या आखिरकार राम में था कि राम को हम लोग इतना पसंद करते हैं? ये बहुत ही अच्छी बात है कि महात्मा गांधी ने भी जब आधुनिक भारत की परिकल्पना की थी, स्वप्न देखा था, तो राम के राज्य के जैसा ही भारत को देखा था, क्योंकि राम के राज्य में राजनीति, जो भी राजशाही है, लोकतंत्र है, उनका बहुत ही अच्छा समन्वय किया गया था। और जब सामंजस्य लोकतंत्र का, राजनीति का अच्छे से होता है, तब जाकर के कहा जाता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। जहां पर राम रहते हो, राम जैसे राजा बनते हो, तो वहां पर कोई दुखी नहीं होता, वहां पर कोई भी ऐसा नहीं होता जहां हर किसी के साथ में प्रेम ना हो। एक बात आपने सुनी होगी राम के लिए, राम के राज्य में प्राची जी, कि कोई भी दुखी नहीं होता था। और एक विशेष बात कि राम के राज्य में किसी को किसी से दुश्मनी नहीं थी। आज के लिए हम लोग कह सकते हैं कि एक ही घर में रह करके दो भाई एक लोटे में पानी नहीं पी सकते। बिल्कुल, देखिए उसी राम राज्य की इस वक्त कल्पना की जा रही है, और त्रेता युग की दीपावली किस तरीके की रही होगी उसकी कल्पना की जा रही है, और इन दृश्यों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अयोध्या नगरी का अपने आराध्य के प्रति कितना प्रेम रहा होगा, कि जब वो वापस लौटे थे वनवास काट कर, तो किस तरीके से वहां पर उनका स्वागत किया गया था। देखिए जो प्रोजेक्शन मैपिंग आप देख रहे हैं, 2021 में 32 घाटों पर थी, लेकिन इस बार ये 37 घाटों पर देखने को मिलेगी, और इसे 46 कारीगरों ने तैयार किया है लखनऊ और बाकी जगहों के। हमारे साथ रुचि भी, हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। रुचि, नजारा बेहद खूबसूरत है, मनमोहक तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप तो खुद अयोध्या में मौजूद हैं, इस पल की गवाह बनती हुई नजर आ रही हैं, आप क्या देख पा रही हैं, क्या दर्शकों को दिखाने वाली हैं? राम की फेरी है, और यहाँ राम की फेरी पर जो घाट है, 32 घाट लाइन से लगे हैं, और इनमें सब दिए जगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि घाट पर इस समय बहुत सारे लोग जो वॉलंटियर्स हैं और जो यहाँ की जनता है वो आ गई है, तो उतने दिए जगमगाते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन वैसे जब शुरू में दिए जलाए गए थे तो पूरे घाटों में ये दिए जले थे, और दूर तक हमें सिर्फ रोशनी ही रोशनी नजर आ रही थी। इस समय प्रोजेक्शन से ये शो हो रहा है जिसमें लव कुश राम कथा सुना रहे हैं, यानी जो दोनों पुत्र हैं भगवान राम और माँ जानकी के, वो पूरी राम कथा का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से भगवान राम का जन्म हुआ, उनका बालकाल, उनका जो पढ़ाई हुई, फिर किस तरह से माँ सीता के साथ विवाह हुआ, फिर वनवास गए, फिर वहाँ लंका जो पूरा कांड है, रावण का वध किया, और फिर वापस अयोध्या लौटे 14 साल का वनवास काटकर। वो पूरे दृश्य यहाँ पर राम की पैड़ी पर जो पूरी श्रृंखला है मंदिरों की, उसमें इस समय दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस शो को देख रहे हैं, और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे घाटों पर इस शो का आनंद ले रहे हैं। और इस शो के बाद, ये करीब 15 मिनट का शो है, इसके बाद यहाँ लेजर शो होगा, और उसके बाद सरयू के किनारे आतिशबाजी होगी। इस तरह से जो भव्य दीपोत्सव है अयोध्या का, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। और सिर्फ ये जो दिए जगमगा रहे हैं वो यहाँ राम की पैड़ी पर नहीं है, पूरे अयोध्या में है, राम जन्मभूमि में है। बाकी जो अयोध्या के मंदिर हैं वहाँ पर दिए जल रहे हैं, झालरों से पूरी अयोध्या को सजाया गया है,
35 गेट पूरे अयोध्या में लगाए गए हैं जो रोशनी से समेत जगमगा रहे हैं। जबरदस्त उत्साह है यहाँ पर दीपोत्सव को लेकर। वैसे 2017 के बाद से ही ये हमें उत्साह दिखाई देता है अयोध्या में। योगी आदित्यनाथ 2017 में जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद अयोध्या में दीपोत्सव मनाने की शुरुआत हुई। पहले साल करीब पौने दो लाख दिए जलाए गए जो अब 18 लाख तक पहुंच गए। तो हर साल ये दीपोत्सव का कार्यक्रम भव्य होता गया और इस बार क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आए हैं यहाँ पर तो इसकी छटा देखते ही बनती है। अब क्योंकि दीपोत्सव इतना शानदार इतना रोशनी वाला होता है तो सिर्फ अयोध्या और आसपास के जिलों से नहीं पूरे भारत से पूरे देश से लोग आते हैं इस दीपोत्सव को देखने के लिए। बिल्कुल, और देखिए यही संदेश जाता है कि अयोध्या नगरी की जो पहचान है वो उसे वापस मिल रही है। अयोध्या जिस वजह से जानी जाती है वो पहचान अयोध्या को वापस मिल रही है। कृष्णचंद ठाकुर जी, अयोध्या के बारे में भी अगर हम रामायण की बात करें तो चौपाइयों के जरिए वर्णन है उस प्रेम का जो अयोध्या नगरी के लोग अपने आराध्य भगवान श्री राम से किया करते थे, वो आप किस तरीके से बताना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि मैं पूर्व में कह रहा था कि अयोध्या वास्तव में हृदय को बोलते हैं और हमारा जो हृदय है यह भी अयोध्या है और हृदय रूपी अयोध्या के जो मालिक हैं, जो परब्रह्म हैं, जो साक्षात इसके स्वामी हैं, वो श्री राम हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बताया कि राम सत है, चित है, आनंद है। राम दशरथ के घर प्रकट होकर के आए, वो निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर, जो निराकार है वो भक्त वांछा कल्प तरु बन करके निराकार हो गया, निराकार निराकार के रूप में आया। दशरथ जी की भावना, माता कौशल्या जी की भावना, अवधवासियों की भावना और समस्त, क्योंकि भारत के तो कण कण में राम निवास करते हैं। रमनते योगिनोस्मिन्निति रामः, योगियों के हृदय में जो रमण करे, मानव मात्र के हृदय में जो रमण करे वो राम है। और अयोध्याधिपति अवध में अवतरित होकर के वो परब्रह्म आए, साक्षात जगदीश्वर आए, ये तो आनंद की बात है ही। लेकिन एक और बात मैं आपसे निवेदन करूं, भारत की आत्मा का नाम राम है, भारत साक्षात राम स्वरूप है और ये भारत रूपी जो राष्ट्र मंदिर है, इस राष्ट्र मंदिर का पुजारी राम भक्त ही हो सकता है, अन्य कोई हो ही नहीं सकता। तो राम साक्षात सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, राम सत है, राम चित है, राम आनंद है। देखिए, आनंद को हम लोगों ने परिभाषित किया है सरल भाषाओं में, हमने यहाँ पे ये कुछ खाया आनंद आ गया, ये पाया तो आनंद आ गया, लेकिन आनंद साक्षात राम है। इसलिए हम लोग जब राम कथा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं और जब भगवान का राम जन्मोत्सव मनाते हैं तो उसमें बोलते हैं अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की। अवध घर राम भयो ऐसा नहीं बोलते, अवध घर रघुवर भयो ऐसा नहीं बोलते, अवध घर आनंद भयो, क्योंकि परमात्मा राम ही सत है। और देखिए उसी आनंद की अनुभूति कृष्णचंद्र ठाकुर जी इस वक्त हो रही है तस्वीरों को देखकर। आप भी वो तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे त्रेता युग की दीपावली एक बार फिर से भव्य तरीके और भव्य स्वरूप के साथ नजर आ रही है अयोध्या नगरी में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।